अस्सलाम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वसीम भुट्टो और मेरे चैनल का नाम है W.M चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अली बाबा A90000 ये रिसीवर है, 4K रिसीवर है डिजिटल, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं। तो गाइस, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपको ऐसे दे सकूँ। तो चलते हैं, दिखाते हैं LCD के स्क्रीन पे, चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखें, मैं अभी इसमें पिन डालूंगा। अभी इसमें पिन डाल दी मैंने, ये देखें USB डिस्क इज रेडी। अभी मैं आप दिखाऊंगा कि इसमें पहले कौन सा वर्जन है। ये अबाउट में गए, ये देखें अभी इसमें वर्जन जो है 3.1.8, ये अभी इसमें वर्जन लगा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपडेट कैसे करते हैं इसको, ये USB अपडेट। इसमें आपको जाना है, ये अलीबाबा लिखा हुआ 3.2.1 अलीबाबा, और ये देखें ये अपडेट होना शुरू हो गया है। ये देखें गाइस अपडेट हो रहा है, ये न्यू वर्जन है। अभी गाइस मैं जहाँ से अलीबाबा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है वो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो गाइस देखें अपडेट हो गया, अभी स्टार्ट होना बाकी है। ये अलीबाबा 4K डिजिटल ये रिसीवर है, एंड्रॉयड, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्मार्ट टीवी, XBMC, वाईफाई, 9.9 क्रिकेट, 2GB, 16GB, 2GB रैम है, 16GB रूम है, एंड्रॉयड 7.0 है नवगेट का। ये एंड्रॉयड इज अपग्रेडिंग, ये देखें
तो गाइस ये अपडेट हो गया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। एसटीबी में अबाउट में जाने के बाद ये देखिए, अभी ये अभी वर्जन है 3.2.1, तो ये अभी फुल अपडेट हो गया है। तो गाइस अलीबाबा का ऐसा ही अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से अलीबाबा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपको ऐसे ही दिखाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।